राजद सांसद मनोज झा के ठाकुर वाले कविता के बाद बिहार में सियासत शुरू है। राजपूत वर्सेस ब्राह्मण करने की कोशिश भी हो रही है। बिहार में राजनीति जाति और सामाजिक समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमता है। 2024 लोकसभा चुनाव होना है तो सभी पार्टियां उसे भुनाने में लगी हैं के खिलाफ रहे और उन्होंने प्रैक्टिस में ये चीज़ करके दिखाया है। और हमारी पार्टी और हमारे नेता हर एक जात हर एक धर्म का सम्मान करते हैं, वो किसी को छोड़ के नहीं चलते हैं, सबको लेके चलते हैं। इतना बात मेरा जरूर ये है कि सार्वजनिक जीवन में जब हम कोई भाषण देते हैं या कोई कविता बोलते हैं या कोई कोट करते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई बात नहीं रख दूँ जिससे कि कोई समाज आहत हो जाए, वो तो जरूर केयरफुल रहना चाहिए। अब जाति की बात करने वाले जो जहरीले नाग हैं और बिहार के अंदर इस जहर से बिहार के विरासत को, बिहार के प्रतिभा को, बिहार के सम्मान को, स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध खुल करके हर जाति के अच्छे लोगों की जमात मिलकर अभियान चलाए। इस अभियान के लिए क्या खोना है क्या पाना है इसका बिना गम किए हम बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान हर बिहारी के सम्मान की अब लड़ाई लड़ेंगे। मनोज झा जी का एक जो बयान इधर आया राज्यसभा में, उन्होंने अपने एक स्पीच के दौरान एक कविता जो पढ़ी थी जिसमें ठाकुर शब्द का प्रयोग बार बार हुआ था और वो कुछ ऐसा दिखला रहा था कि उससे निश्चित तौर पर एक जाति वर्ग आहत हुआ होगा और ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी कविताओं का जो किसी पुराने जमाने में लिखा गया हो और जिसका संदर्भ तब के लिए हो, आज की परिस्थिति में उसे नहीं पढ़ा जाना चाहिए था हर हालत में, क्योंकि ठाकुर शब्द जाति के संदर्भ में हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त हो चुका है, वो क्षत्रिय वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, यह बात है, तो इससे क्षत्रिय वर्ग तो हाथ होंगे, ये तो उन्हें समझना चाहिए था। अब ये एक अलग बात है कि बिहार में मैथिल ब्राह्मणों में भी ठाकुर शब्द का प्रयोग अपनी जाति के रेफरेंस में किया जाता रहा है। एक बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण मैथिल ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं और वो ठाकुर लिखते हैं, परंतु एक वाइडर कंटेक्स्ट में अगर आप लीजिए तो ये राजपूतों के लिए क्षत्रियों के लिए ही अब यह प्रयुक्त होता रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो ब्राह्मण और राजपूत का अधिकांश वोट एनडीए को मिला था, महागठबंधन को काफ़ी कम वोट मिला था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और अपर कास्ट के वोट बैंक पर दोनों तरफ से नज़र है, महागठबंधन खेमा भी और एनडीए भी, और इसलिए सियासत तेज है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।